प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत चयनित बेरोजगार युवकों को बैंक से लोन स्वीकृत नहीं किए जाने पर मुंगेर के जिलाधिकारी एम नवीन कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कल समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को असफल करने की बैंकों के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार कह रही है कि आपको लोन लीजिए और अपना काम शुरू करिए, और तब नहीं करने दे रहे हैं आप लोग। पूरा प्रशासन इसके पीछे लगा हुआ है कि लोग हम लोग बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो काम आपका है आपके बिजनेस में ही आता है। बैंक की पॉलिसी शिफ्ट करना बिजनेस नहीं है आपका, ये बिजनेस है कि आपको जितना डिपोजिट आपने लिया उसका कम से कम 90% आप लोन दीजिए। इससे पूर्व चयनित बेरोजगार युवक युवतियों ने बैंक द्वारा लोन स्वीकृत नहीं किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। क्या बोलते हैं, जैसे जाते हैं तो ये अब नहीं होगा, जाइए फिर जाते हैं तो 10 दिन के बाद आइएगा, फिर इसके बाद आइएगा, उसके बाद आइएगा, फिर सब परेशान हो। बोले बैंक मैनेजर की फोन करेंगे, फोन भी नहीं किया, घर पे भी नहीं गए और रिजेक्ट कर दिए। हाँ, यहाँ से फोन गया तो सर बोले कि रिजेक्ट हो गया तुम्हारा, तुम बैंक जाओ। हम गए तो बोला कि हाँ रिजेक्ट हो गया, तो हम बोले कि क्यों किए, तो बोला कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है,